दुर्ग पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। इस ठग गिरोह ने बंटी और बबली फिल्म की स्टाइल में एक सराफा कारोबारी को अपने जाल में फंसा और 3 लाख रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। दुर्ग पुलिस ने शातिर ठग गिरोह को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने एक सराफा व्यापारी को झांसा देकर नकली सोना असली बताकर थमा दिया और 3 लाख रुपए हड़प लिए। ज्वेलर्स की शिकायत पर जांच कर रही पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ठगी क्या है, वो जो नकली सोना जो दिखा करके बेचते हैं, उसमें 3 आरोपी किए गए थे और उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। वहाँ पर 3 लोग मिलकर के कर रहे थे, 2 पुरुष और 1 महिला। बाद में महिला को सुरक्षा महिला थाना में रखवाया गया था। वारदात सुपीला इलाके में दर्ज की गई थी, जहाँ ठग गिरोह ने घात लगाकर एक सराफा कारोबारी को अपना शिकार बनाया था। बदमाशों ने सराफा कारोबारी को नकली सोने के जेवरात थमाकर 3 लाख रुपए ठग लिए थे। जब सुपेला पुलिस ने केस की तहकीकात शुरू की, उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि इलाके में कुछ संदिग्ध देखे गए हैं। शक की बिना पर सुपेला पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया। जिनसे पूछताछ शुरू की गई तो ठगी की वारदात का खुलासा हो गया। पुलिस की गिरफ्त में आए मोहम्मद इमरान और साहबुद्दीन से कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि गिरोह की एक महिला सदस्य विशाखा भी है, जो इस वारदात में शामिल थी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके महिला साथी विशाखा को भी रायपुर से गिरफ्तार कर लिया। जब सुपेला पुलिस ने पूछताछ करने के बाद विशाखा को महिला थाने में रखने के लिए भेजा, तो महिला थाने में विशाखा ने देर रात के वक्त एक महिला आरक्षक के पर्स से चाबी निकालकर लॉकअप का ताला खोला और थाने से भाग गई, जिसे पुलिस ने बिलासपुर से दोबारा गिरफ्तार किया और भिलाई लेकर आई। वहां से वो फरार भी हो गई थी और फिर सिपाही महिला सिपाही ने जब खबर दी है भोर में, तो पुलिस ने कल फिर उसकी घेराबंदी करके उसको पकड़ा भी है अपने रिलेटिव के घर से। उस पर एक अलग प्रकरण दर्ज किया गया। गिरोह के कबूलनामे के मुताबिक नकली सोने को असली सोना बताकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी इमरान और विशाखा का खास रोल रहता था, जो ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। जबकि इमरान का जिगरी दोस्त साहबुद्दीन दोनों का साथ देकर व्यापारियों को चूना लगाने में मदद करता था। इमरान बर्खास्त सिपाही है, जबकि साहबुद्दीन भी एक पुलिसकर्मी का भाई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को अदालत में पेश किया है, जहां से आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। हवालात के लिए दुर्ग से चंद्रकांत देवांगन की रिपोर्ट। हवालात में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे जुर्म की दुनिया की कुछ और नई दास्तानों के साथ। तब तक आप रहें सतर्क और सावधान।